elohimapologetics/www.youtube.com/please subscribe my YouTube channel. तो यहां पर अब लिखा है कि अब मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैंने अपना प्राशित कर लिया है, मैंने प्रार्थना कर ली है और अब मैं आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। तो यहां पर एक तरीके से जो दाऊद है वो प्रार्थना कर रहा है कि अब मैं एकांत में हूं, मैं सोने जा रहा हूं, मेरा अब कोई रखवाला नहीं है, केवल अब तू ही रखवाला है, क्योंकि सोने के बाद तो मनुष्य बेसुध हो जाता है। तो यहां पर एक तरीके से फिजिकल बात को यहां पर दाऊद के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बहनों अब हमें आत्मिक रूप से भी अपने आप को निश्चिंत करना है। यहां पर जो दाऊद है वो प्रार्थना करते हैं कि मैं निश्चिंत हो जाता हूं क्योंकि तू मुझे निश्चिंत रहने देता है कि मेरे शत्रुओं से मुझे कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन हमें निश्चिंत होना है, हमें दुनियावी रूप से निश्चिंत होकर नहीं सोना है, हमें आत्मिक रूप से निश्चिंत होकर सोना है कि यदि ये रात मेरी आखिरी रात भी हुई तो भी मैं विश्वास की दशा में ही मरूंगा, और मैं जब विश्वास की दशा में मरूंगा तो फिर विश्वास की दशा में उठूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हाल में हम मरेंगे उसी हाल में उठेंगे, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि हम अविश्वास की दशा में मरेंगे, पाप की दशा में मरेंगे, तो फिर पाप की दशा में ही उठेंगे। यदि अपने मन को शुद्ध करने की दशा में मरेंगे, अपने पश्चाताप के साथ अपने मन को साफ करने की दशा में मरेंगे, तो फिर हम उसी हिसाब से उठाए जाएंगे उद्धार के साथ। तो हमें उद्धार में ही सोना है और उद्धार में ही उठना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई गलती की हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि रात की या शाम की जो ये प्रार्थना है, यहां आत्मा में होकर भजन के रूप में दाऊद ने गाया है, और हमने इसका फिजिकल और आत्मिक दोनों तरीके से आकलन किया, दोनों तरीके से देखा है। और मसीही विश्वासियों पर अब कोई फिजिकल बात लागू नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें देखना होगा हर एक भजन को, हर एक प्रार्थना को, कि वो किस रूप में, किस परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। और बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं कि दुनियावी रूप से इन प्रार्थनाओं को पढ़ पढ़ के क्लेम करते हैं। तो याद रखिएगा, यदि हम दुनियावी बातों को लेकर के इन प्रार्थनाओं को पढ़ करके क्लेम करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी फिर हम पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं है, या हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे ऊपर अनुग्रह हो चुका है। तो इन हम प्रार्थनाओं को पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, पढ़ करके प्रार्थनाएं करें, लेकिन इनका जो भावना है, इनकी जो जो इमोशन है वो फिजिकल ना होकर के आत्मिक होने चाहिए, फिजिकल नहीं होनी चाहिए। फिजिकल से हमें कौन कुछ कर सकता है, प्रभु ने हमें यही तो सिखाया है। प्रभु कहते हैं कि उससे मत डरो जो शरीर का घात कर सकता है, उन लोगों से मत डरो वो केवल तुम्हारे शरीर का घात कर सकते हैं, उससे डरो उस परमेश्वर से जो शरीर और आत्मा दोनों का घात कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें शरीर के घात होने का कोई डर नहीं है, हमें तो अपनी आत्मा के घात होने का डर है। तो हमारा शत्रु कौन है, हमने देखा हमें कौन से शत्रु से सहायता करनी लेनी मांगनी है, हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा। हमें अपने उस दुष्ट इबलीस जो हम सबका इकलौता शत्रु है, उसकी आत्मिक सेनाएं जो करोड़ों के रूप में हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं, हम देखते हैं दाऊद को तो 10,000 मनुष्यों ने घेरा था और परमेश्वर ने उसे बचाया, लेकिन यहां पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो करोड़ों में है उससे बचाता है। तो अब हमें किसके लिए सहायता के लिए प्रार्थना करनी है पूरे दिन, यानी अभी हमने दिन की प्रार्थना देखी और रात की प्रार्थना। दिन में प्रार्थना करनी है उस दुष्ट से बचे रहे, वो शैतान हमें कभी भरमाने ना पाए, पूरे दिन हम अपने आत्मिक हथियारों से उसे हराते रहे, उसे जो है नष्ट करते रहे। और रात के लिए जब यदि हमने फिर भी शैतान के बहकाने में आके पूरे दिन कुछ गलत कर दिया हो, परमेश्वर के विरोध में कर दिया हो, तो उसका प्राशित करें, उसका अंगीकार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे शुद्ध होके सुला, विश्वास की दशा में सुला, ताकि मैं यदि सुबह उठता हूं विश्वास की दशा में तो फिर मैं इन गलतियों को अपने जीवन से दूर करके तेरे ग्रहण योग्य बन सकूं। यानी हर एक रात हमारे जीवन की शुद्धता की रात हो और हर एक सुबह हम इस मोटिव के साथ उठे कि आज जो मैंने कल गलतियां की थी आज मैं उन्हें सुधारूंगा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, वो मुझे हयात देगा, सामर्थ्य देगा, मुझे आत्मा से वो संभालेगा, ताकि मैं अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकूं, ताकि जो वो विरासत उसने प्रभु यीशु मसीह में होकर हम सबको दी है, हम उसके असली में उस विरासत के। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।